तो देखो भाई लोग, इंडिया में ऐसे विकारों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अभी फिलहाल के लिए चल रहा है फेस्टिव सीजन। लास्ट मंथ पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसे विकारें बिकी है और कुछ ऐसे विकारों के सेल्स में थोड़ी सी गिरावट भी आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 20 ऐसे विकारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि सितंबर 2022 में पूरे इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकी है। तो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है टॉप 20 मोस्ट सेलिंग ऐसे विकार इन सितंबर 2022। जो 20th पोजीशन पर ऐसे विकार आई है लास्ट मंथ वो है एमजीकी हेक्टर। हेक्टर के 105 यूनिट्स बिके हैं, लेकिन अगर मैं अगस्त 2022 की बात करूं तो अगस्त के महीने में हेक्टर के 1917 यूनिट बिके थे। तो यहां पर आपको स्लाइटली ग्रोथ देखने को मिल जाएगी एमजी हेक्टर के सेल्स में और बहुत जल्दी एमजी कंपनी हेक्टर का फेसली मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इसका टीजर वीडियो रिसेंटली रिलीज किया था जिसके तहत आप इसका एक्सटीरियर लुक देख सकते हैं और इसके इंटीरियर में आपको 14 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इन्फोटमेंट सिस्टम मिलने वाला है। तो काफी अपडेट के साथ हेक्टर फेसली मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। जो 19th पोजीशन पर एसयूवी कार आई है लास्ट मंथ वो है स्कोडा की कुशक, जो कि एक मिड साइज सेगमेंट वाली एसयूवी कार है। लास्ट मंथ कुशक के 2224 यूनिट्स बिके हैं, लेकिन अगर मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त के महीने में ये 20th पोजीशन पर थी और अगस्त के महीने में इसके 1876 यूनिट बिके थे। तो यहां पर आपको लास्ट मंथ कुशक के सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, इसके सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ आ चुकी है। ये काफी बढ़िया कार है, इसका लुक आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा और इसके इंटीरियर में आपको ठीक ठाक फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जो 18th पोजीशन पर एसयूवी कार आई है लास्ट मंथ वो है रेनॉल्ट की काइगर। काइगर के टोटल 2535 यूनिट्स बिके हैं, लेकिन अगर मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त के महीने में रेनॉल्ट की काइगर 15th पोजीशन पर थी, अब यहां पर 18th पोजीशन पर आ चुकी है। अगस्त के महीने में रेनॉल्ट काइगर के 2641 यूनिट्स बिके थे, लेकिन यहां पर सितंबर में इसका सेल थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो यहां पर आपको रेनॉल्ट के सेल्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी। रेनॉल्ट काइगर को सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले हैं, जो कि सेफ्टी के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जो 17th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है हुंडई की अल्केजर, जो कि एक 7-सीटर कार है। लास्ट मंथ अल्केजर के 2643 यूनिट्स बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन अगस्त के महीने में इसके 2304 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको इसके सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। जो 16th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है टोयोटा की फॉर्चुनर, जो कि एक फुल साइज एसयूवी कार है और फॉर्चुनर के लास्ट मंथ 2993 यूनिट बिके हैं, लेकिन अगर मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त में इसके 2581 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको फॉर्चुनर के सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। फॉर्चुनर की कीमत आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको पसंद करते हैं। जो 15th पोजीशन पर एसयूवी कार आई है लास्ट मंथ वो है टाटा की हैरियर। हैरियर के लास्ट मंथ 2993 यूनिट बिके हैं, लेकिन अगर मैं अगस्त की बात करूं तो अगस्त में ये 16th पोजीशन पर आई थी और इसके 2596 यूनिट बिके थे। तो यहां पर आपको हैरियर के सेल्स में भी थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और टाटा हैरियर का डार्क एडिशन मॉडल पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जो 14th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है निसान के मैग्नाइट। मैग्नाइट के टोटल 3069 यूनिट बिके हैं, लेकिन अगस्त के महीने में ये 13th पोजीशन पर आई थी और इसके 3194 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर निसान मैग्नेट के सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है, लेकिन इस कार का लुक और इंटीरियर आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है और इस कार को भी सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले हैं। जो 13th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है महिंद्रा की थार। इसको इंडिया में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और थार के लास्ट मंथ 4249 यूनिट बिके हैं। अगस्त के महीने में थार 12th पोजीशन पर आई थी और इसके 793 यूनिट बिके थे। लेकिन जो 12th पोजीशन पर कार आई है जिसने पूरे इंडस्ट्री में तबाही सी मचा रखी है वो है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। लास्ट मंथ ही इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया और लास्ट मंथ ही इसके 4769 यूनिट बिके हैं और ये आई है 12th पोजीशन पर। शायद आने वाले कुछ महीनों में ये टॉप 10 लिस्ट में आराम से आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट मंथ में ही इसको बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये कार आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। इसके अल्फा मॉडल का ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने करा है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। जो 11th पोजीशन पर कार आई है जिसकी डिमांड काफी ज्यादा है वो है महिंद्रा की XUV700 के लास्ट मंथ 6063 यूनिट बिके हैं, लेकिन अगस्त 2022 में XUV700 10th पोजीशन पर आई थी और अगस्त के महीने में इसके 6010 यूनिट बिके थे। तो यहां पर आपको XUV700 के सेल्स में स्लाइटली ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये ग्रोथ उतनी भी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। इस कार की डिमांड काफी ज्यादा है, लेकिन महिंद्रा कंपनी इस कार की डिलीवरीज टाइम पर नहीं दे पा रही है। जो 10th पोजीशन पर कार आई है वो है XUV300। आज ही XUV300 का टर्बो मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, उसके प्राइसेस मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। लेकिन XUV300 के लास्ट मंथ 6080 यूनिट बिके हैं और अगस्त के महीने में ये 11th पोजीशन पर आई थी। जो 9th पोजीशन पर कार आई है वो है महिंद्रा की बोलेरो।
लास्ट मंथ बोलेरो के 8108 यूनिट बिके हैं पूरे इंडियन मार्केट में, लेकिन अगस्त 2022 में बोलेरो 7th पोजीशन पर आई थी और बोलेरो के लगभग 8246 यूनिट बिके थे। यहां पर आपको स्लाइटली गिरावट देखने को मिल जाएगी बोलेरो के सेल्स में, लेकिन इसकी पोजीशन 7 से अब 9 पर आ चुकी है। जो 8th पोजीशन पर कार रही है लास्ट मंथ वो है किया की सोनेट। सोनेट एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। पहले इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन अब इसका सेल थोड़ा सा नीचे आ चुका है, लेकिन लास्ट मंथ इसकी पोजीशन 8 पर आ चुकी है। किया सोनेट के लास्ट मंथ 9291 यूनिट बिके हैं और अगस्त के महीने में 7838 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ हो चुकी है सोनेट के सेल्स रिपोर्ट में। जो 7th पोजीशन पर एसयूवी कार आई है जिसने पूरे ऑटो इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा है वो है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। रिसेंटली महिंद्रा कंपनी ने स्कॉर्पियो एन को लॉन्च किया था। स्कॉर्पियो का क्लासिक मॉडल लॉन्च किया था और दोनों ही कारों को काफी खतरनाक बुकिंग्स मिल रहे हैं। लास्ट मंथ स्कॉर्पियो के 9536 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में और अगस्त के महीने में ये कार 9th पोजीशन पर आई थी और इसके टोटल 7056 यूनिट बिके थे। तो लास्ट मंथ स्कॉर्पियो के लगभग 2500 यूनिट ज्यादा बिके हैं एज कम्पेयर टू अगस्त 2022। स्कॉर्पियो एन या फिर स्कॉर्पियो का क्लासिक मॉडल, इन दोनों में से आपकी कौन सी फेवरेट कार है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो 6th पोजीशन पर कार आई है जिसका फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है वो है सेल्टॉस। सेल्टॉस के लास्ट मंथ 11000 यूनिट बिके हैं, लेकिन अगस्त 2022 में 8652 यूनिट्स बिके थे। तो यहाँ पर आपको सेल्टॉस के सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा सोनेट के सेल्स में भी काफी ज्यादा ग्रोथ आ चुकी है, लेकिन इन दोनों ही कारों के अंदर आपको सेफ्टी थोड़ी सी कम मिलने वाली है। जो 5th पोजीशन पर कार आई है लास्ट मंथ वो है हुंडई की वेन्यू। वेन्यू का फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है और लास्ट मंथ वेन्यू के 11033 यूनिट बिके हैं। अगस्त 2022 में ये 5th पोजीशन पर ही थी और इसके 11240 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर लास्ट मंथ वेन्यू के सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आ चुकी है, लेकिन वेन्यू काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है और रिसेंटली हुंडई कंपनी ने इसका इनलाइन मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था जिसके अंदर आपको टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। जो 4th पोजीशन पर कार आई है जो कि टाटा की तरफ से आती है जिसने पूरे ऑटो इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है वो है पंच। लास्ट मंथ पंच के 12251 यूनिट बिके हैं और अगस्त 2022 में 12006 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको पंच के सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये कार काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है इंडिया में। आने वाले समय में ये डेफिनेटली टॉप 3 लिस्ट में आ जाएगी आराम से। जो 3rd पोजीशन पर कार आती है जो कि इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है वो है हुंडई की क्रेटा। लास्ट मंथ क्रेटा के 12866 यूनिट बिके हैं और अगस्त 2022 में 12577 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको क्रेटा के सेल्स में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और क्रेटा का भी फेसली मॉडल बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। जैसे ही क्रेटा और सेल्टॉस का फेसली मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। लेकिन जो 2nd पोजीशन पर एसयूवी कार आई है जो कि पिछले कुछ महीनों से 1st पोजीशन पर ही थी वो है टाटा की नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन की पोजीशन अब 2nd पर आ चुकी है और इसके सेल्स में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 14518 यूनिट बिके हैं और अगस्त 2022 में 15085 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर लगभग 500 यूनिट थोड़े से कम बिके हैं और इसके 2nd पोजीशन पर आने के पीछे एक ही कार का रीजन है वो है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। रिसेंटली ब्रेजा का फेसली मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है काफी अपडेट के साथ और उसी वजह से ब्रेजा का सेल काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है और ब्रेजा के आने के बाद टाटा नेक्सॉन 2nd पोजीशन पर जा चुकी है। लास्ट मंथ ब्रेजा के 15445 यूनिट बिके हैं पूरे इंडियन मार्केट में, लेकिन अगस्त के महीने में 15193 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन और ब्रेजा के बीच में लगी पड़ी है और दोनों ही कार सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, टाटा नेक्सॉन को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं और ब्रेजा का जो प्रीवियस मॉडल था उसको सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग्स मिले थे। जो ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है उसका क्रैश टेस्ट अभी होना बाकी है। जैसे ही इसका क्रैश टेस्ट हो जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। तो ये 20 कारें थी जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे दबी की हैं और ये सभी एसयूवी कारें थी।